हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज बताओ अब तो आज हम शुरू करने वाले हैं नाइट रूटीन अपना। ठीक है, जैसे कि आपने हमारा पहले इवनिंग टू नाइट इवनिंग टू नाइट और आपने पहले हमारा मॉर्निंग रूटीन देखा ही होगा, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा रिस्पांस आया है, ऐसा है कि हमने सोचा कि नाइट रूटीन भी आप लोगों से शेयर किया जाए, जो भी हमारा मिडिल क्लास की तरह, जो भी हम मिडिल क्लास इवनिंग टू नाइट रूटीन। यस एग्जैक्टली, जैसा हमारा मॉर्निंग रहा, अब हम इवनिंग का भी आपको इवनिंग टू नाइट भी शेयर करेंगे। जो भी होगा आप देखते जाइए और हमारे इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। हर एक एक बीच में जो भी होगा हम आपको शेयर करते रहेंगे। और अभी मैं अब जैसे आप बैठिए, आप ये देख रहे हैं बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? मेरी क्लास होने वाली है अभी, यानी कि मैं क्लास लेता हूँ। इनका 5:30 के बच्चों की क्लास 5:30 का इनका टाइमिंग है, जो दूसरा सेशन है। क्लासेस होती है वो डेज में, मतलब उस टाइम पहले होती है, अलग अलग सेशन होते हैं, सेट है पूरा, अलग अलग सेशन है। तो इस टाइम पे इवनिंग की क्लास जो है ये अभी लेने जा रहे हैं। इवनिंग का शुरू किया है, इवनिंग टू नाइट, तो ऑब्वियसली वो शो करना ही है। तो चलो आप अपना क्लास दो और मैं इधर, अभी जब तक कि हर्षिल का वेकेशन चल रहे हैं तो उसका भी मुझे स्टडी टाइम उसका है, इसी टाइम आएगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। लैपटॉप को मैंने यहाँ रख रखा है, आप देख सकते हो। तो जब तक कि मैं शेड्यूल स्केड्यूल जो वीडियोज़ होंगी उसको मैं कम्प्लीट करती हूँ। तो गाइज इनकी क्लास हो चुकी है, आके यहाँ बैठ चुके हैं और मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा स्केड्यूलिंग का जो भी काम था वो हो गया है और एक काम हम दोनों साथ में करते हैं मिलके। तो अब क्या कहते हैं इसके बारे में, शुरू करें डिज़ाइनिंग का? ठीक है, तो चलो हम दोनों मिलके करते हैं। करने के बाद बोले ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है ना। और मेरे मित्रों, लो मैं करता हूँ फटाफट से, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो गाइज मैं अभी जा रही हूँ, अभी ऑलमोस्ट हमने वर्क कर लिया अपना, उन्होंने भी और मैंने भी, तो मैं ये बाकी जो काम करेंगे करते रहेंगे। फिलहाल मैं तो अभी जा रही हूँ अपना भांडे मांजने बर्तन वॉश करने। भांडे बोल लिया करें, भांडे, चलो ठीक है भांडे बोल लिया, ठीक है भांडे वॉश कर लूँ, मतलब धो लूँ, भांडे चमकाने। ठीक है, तो चलो अभी मैं मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी भांडे मांजने का टाइम हो चुका है इनका। और इनका क्या काम, मेरा कुछ काम रह रहा है, मैं थोड़ा सा अपना रिसर्च का काम करेंगे, रिसर्च भी करनी है, दो तीन चीजें और करनी है, बिजनेस है तगड़े तगड़े, मिलते हैं, उन्हें मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा अभी हम बर्तन वॉश कर रहे थे और मम्मी उधर सब्जी बना रही थी, तो सब्जी के लिए हमें एकदम सडन नहीं, मम्मी ने बोला कि पनीर, इनको बोला मिडिल क्लास का दर्द है तो अब हमें अब क्या होगा ना, हम 7:30 की बजाय अब हम अभी थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है हमको बाहर। ठीक है, तो और क्योंकि हमें लेके आना सामान, पनीर, किस पनीर लेके आना, पालक पनीर, हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। और दूसरा जो हमें एक और हाँ, सामान लेना है, कल का एक व्लॉग आएगा, कल या कोशिश करेंगे कल परसों में, हाँ, नेक्स्ट व्लॉग, इसका नेक्स्ट व्लॉग बेहतरीन व्लॉग बनाएंगे हम आपको, तो उसका भी सामान लाना है, उसका भी सामान लाना है हमें। तो चलो अभी हम मिलते हैं बाहर। तो हम आ गए यहाँ पे पनीर लेने के लिए, आधा किलो ही लेना है ना, तो वही हो गया अपना पनीर, चलते हैं फिर है ना घर, नहीं घर तो नहीं, अभी तो सामान लेना है। देखिए फिलहाल हमने ये ले लिया है, ये मिला है स्पेशली, कुछ बनाएंगे अभी कल, नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे, ऑरेंज वगैरह, ये रहा अपना स्मार्ट पॉइंट। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, अभी तो फिलहाल यही लेना था, यही लेने आए, स्प्रेड चीज है। तो चलो अभी तो फिलहाल भी गर्म नहीं है तो हम ले लेते हैं। हम तो आ चुके, थोड़ा सा अंधेरा हो गया पर आ गए घर पर, और ये मेरे पीछे पीछे मम्मी इंतजार कर रही कह रही है मम्मी इंतजार कर रही पनीर का। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं आराम से, अब हम थोड़ा फ्रेश होके कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगे लस्सी पी के, अब हमें थोड़ा सा ठंडक चाहिए क्योंकि बाहर बहुत गर्मी। ये मिडिल क्लास की इवनिंग टू नाइट दिखा रहे हैं हम आपको, जी हाँ मजा आएगा, ऐसे होता है एकदम सडन भी, कुछ भी हो सकता है, सडनली बाहर जाना पड़ सकता है, 2 रुपए का जीरा लेने के लिए, लोग इलायची मिर्ची लेने के लिए, कभी सिलेंडर नहीं लगेगा, कभी कुछ हो जाएगा, ठीक है किसी ने बैल बजा दी तो मैं जाना होगा, तो ये है ठीक है, कभी मटरें छीलनी पड़ेंगी, कभी आलू छीलने होंगे, तो ये है, सही कह रहे हैं। अभी इवनिंग में जैसे अभी हम बाहर गए हैं ना, अब बाहर से आने के बाद में पता नहीं कुछ भी काम आ सकता है, हाँ, तो अभी तो फिलहाल हम अपने ठंडक पहुंचा लें अपने कलेजे को,
तो उसके लिए हम व्यवस्था, तो ये मोस्टली यही रूटीन रहता है और आगे भी देखते रहिएगा क्या क्या होता है हमारे साथ। पनीर बना रही है सड्डी मम्मी, एकदम बढ़िया एकदम। चलो जी फटाफट से हम पहले अपनी अब लस्सी पियेंगे, ठंडक पा लेते हैं, मिडिल क्लास लस्सी पियेंगे, ठंडक पा लेते हैं। लो जी पन्नी खोल ली इन्होंने खांड की, लोअर मिडिल क्लास पीपल इनके लिए लस्सी बनाते हुए। ओहो क्यों, मतलब मैं कहीं अलग क्यों, तुम हायर मिडिल क्लास हो प्लीज, चुप रहिए आप। मैं देसी खांड डाल के भाई इनके कलेजे को ठंडक पड़ा दूं। पानी उधर रखा ठंडा इनको, मैं तो बस इधर बैठे बैठे मजे ले रही हूँ। सारा काम तो मैं ही करता हूँ, सारा घर का काम तो यही करते हैं, देख लो इनकी शक्ल। और हम तो यहाँ तो सिर्फ बल्ले बैठे हम सब इनकी मदद कर रहे हैं आंखों से आंखें, भाई देखना भी बहुत बड़ा। ओ ये देख रहे हो इनकी बात गधे चढ़ी बात, बस एक ही वर्ड आता है गधे चढ़ी आते बेटे, वर्ड तो बहुत आते हैं बस मैं बोलता ही नहीं। बोल लो, वर्ड तो ऐसे ऐसे आते हैं जहाँ की मेरी पैदाइश है ना, डिक्शनरी में ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊंगी ऐसे ऐसे वर्ड पता मुझे यहाँ पे। ठीक है कुछ चीजें हमारी अपनी जुबान में भी दायरा रखना चाहिए, खचले टूटन वाले मशीन वाले सारे वर्ड हमें पता होना चाहिए, हमारे हमें कब कौन से क्या वर्ड बोलने चाहिए, हर चीज थोड़ी ना हम बोल दें। लो भाई लस्सी हो गई तैयार, चलो जी थोड़ी सी और पतली करो यार, गाड़ी गाड़ी भी बिल्कुल ही मन नहीं है पीने का, गाड़ी गाड़ी। हाँ ब्रो जी बिल्कुल, चलो जी अभी हम थोड़े सा ग्लास ग्लास ले आते हैं, ग्लास बोलो तीन अतरंगे ग्लास मिल नहीं रहे तो पूरे दिमाग तीन अतरंगे ग्लास ये है मिडिल क्लास अब कहाँ कहाँ तक ढूंढती हूँ, जो मिल रहा है मुझे मिडिल क्लास के तीन अतरंगे ग्लास तुम्हारे लिए स्पेशल लस्सी। थैंक यू जी, मम्मी को दे दो एक ग्लास, मम्मा को देते आप। तो भाई रेडी हो गई लस्सी मेरे हाथों की बनी हुई अच्छी अच्छी, जी शाह आ गया। ठीक है अब इसके बाद में यार थोड़ा सा काम करूंगा, मैं पेंडिंग रह रखा है कुछ काम मेरा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है लो भाई मित्रों ये कुछ कहना चाहती सी, अब हमारा टाइम अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, जैसे कि हम सुबह भी करते हैं तो इवनिंग में भी करते हैं, तो अभी मैं अगरबत्ती कर लेती हूँ इवनिंग में। तो ये सुबह और शाम में अगरबत्ती करती है? हाँ मोस्टली यही करती है, मैं भी कर लेता हूँ वैसे तो। हाँ, ऐसी जब जैसा किसी जिसको भी टाइम मिलता है हाँ वो कर लेता है। अभी चारों दिशाओं में घूमेंगी ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करती हुई, तो अब मैं यार थोड़ा सा पेंडिंग काम निपटा लेता हूँ। ठीक है चलो मिलते हैं थोड़ी देर में तो अभी तो क्या कर रहे हैं, मैं अभी तो फिलहाल बैठी हूँ अपना थोड़ा सा काम कर रही हूँ, लव जी तो एडिटिंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, लव जी इधर बैठ के अपनी एजुकेशन की एडिटिंग कर रहे हैं, और इधर मैं थोड़ा सा जो भी स्केड्यूल है जो अदर्स हमारे लाइक व्लॉग हो गया या कोई और भी हमारे जो काम चलते हैं उसको मैं एनालाइज कर रही हूँ, जो पेंडिंग रह गया उसको मैं कंप्लीट करूँ, तो ये मेरा काम है, बाकी ये जब तक एडिटिंग करेंगे उसके बाद स्केड्यूलिंग का मेरा काम रहेगा, तो मिलते ही जब तक ये काम करने के बाद फिर। तो गाइस मैं तो अभी ना काम करके थोड़ा सा 5 मिनट के लिए लेती हूँ, और ये इनका अभी भी काम चल रहा है, ये इतने बैठे हुए एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने वीडियोस। एक डेढ़ घंटा लग गया है एडिटिंग करने में, एक डेढ़ घंटा हाँ लग गया होगा इनको, और अभी भी रह रहा है थोड़ा सा, अभी स्केड्यूल लगाना है, अपलोडिंग करनी है और थंबनेल भी देखना है, थंबनेल डिजाइन करना है, हाँ, बहुत है अभी, और आंखें लाल हो गई इसकी छोड़ी, हाँ हो जाती है यार, 5-10 मिनट के लिए आराम कर लेती हूँ फिर मैं कपड़े चेंज करूंगी, भैया मेरे से ना रहा रहा अभी तो, मैं थोड़े से थोड़ा वैसे टी शर्ट लूज कपड़े में आ जाऊंगी, और ये भी इनका भी काम करवा दूंगी, और मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, थोड़ा सा थकान हो रही है मुझे, तो मिलते हैं डिनर के टाइम। तो मैं तो जा रही हूँ फिलहाल अपना हाथ धोने, क्योंकि मेरे को अभी ऐसे ऐसे हो रही हूँ मैं, ठीक है फिर उसके बाद तुम भी हो रहे हो, चलो ठीक है, बस इनका ऑलमोस्ट डन होने वाला है, फेस वॉश करती हूँ, मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, फिर खाना खान दे और मिल दे। यो भाई मित्रों इन्होंने तो धो लिया है अपना मुंह, बुल्ली मटा चल गई यार गाने सुनते सुनते काम कर लो, तुम भी जाके वॉश कर लो और फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ, मिलते हैं। थकान इतनी हो जाती है ना की करा, चलो जी मैं मिलती हूं, चलो लो भाई मित्रों आ गए अपने पालक पनीर, और ये टाइम हमारा खाना खाने का होता है, देखो कितने मस्त बनाया ना मम्मी ने पालक पनीर, लाइए मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए। ठीक है तो हमारा भैया खाना खाना चलेगा, और खाने के साथ थोड़ा सा हम अपना टाइम पास करेंगे,
थोड़ा सा मूवी शूवी चला लेते हैं साथ में, इंजॉय करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और खाने को इंजॉय करते रहते हैं। अभी भी मेरा काम देख लो पेंडिंग है। अपलोडिंग पे चढ़ा दिया बस इन्होंने। अब इस दौरान में देखो ये जो इवनिंग टाइम है मॉर्निंग में बिजी रहता है, होता है कई बार पता बहुत ज्यादा। हम ब्लॉग शूट करते हैं पिछले 2.5 साल से ऊपर हो गए, अभी तक हमारे सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं हुए। बेरोजगारी पे काम करा जा रहा है लेकिन करा जा रहा है, मजा आ रहा है, पर हमें मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। 2.5 साल 800 कितनी वीडियो हो गई हमारी, मतलब ये वाला 854 नहीं नव जी 859 कंप्लीट हो चुके हैं। 859 वीडियोस नॉन स्टॉप, 860 बिना किसी छुट्टी लिए, कोई छुट्टी नहीं ली, कुछ नहीं करा, डाल 860 हो गई है अप्रोक्स। बात नहीं वो अच्छी है बुरी वो आप बताओगे यार, ठीक है। हमने हमारी पूरा 100% देने की कोशिश करी ऐसे बिजी शेड्यूल में भी, बिल्कुल। और इसी बात पे यार सब्सक्राइब तो करो, ठीक है जी। अभी हम अपने खाने को एंजॉय करते हैं और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी मूवी देखी जाएगी खाना खाते टाइम, ठीक है। एंजॉय करेंगे अपने डिनर की मील को और मूवी को, सही कहा ना दोस्तों। अभी भी हमारा काम रहता है दही जमाने का, दही जमाएंगे, ठीक है। इसमें देख लो हो गया अपना दूध गर्म, दही तो जमाओ अभियान चालू। हाँ जी, अब मैं क्या करूँगी इस दही को इसमें लगा दूँगी साइड से, और इसे नॉर्मल टेम्परेचर में किचन में ढककर छोड़ दूँगा, आराम से गाढ़ा गाढ़ा दही जम जाएगा, फिर मैं फ्रिज में रख पानी ले लूँगी पानी। तो ये है हमारा दही जमाने का तरीका, उसकी वीडियो देख लेना, इन्होंने कैसे बनाई थी दही जमाई थी वाली, हलवाई स्टाइल में भी जमाई थी इन्होंने दही। इसको थोड़ा सा इसको रख देंगे और ढक देंगे। चलो दोस्तों हमारा तो खाना हो चुका है, अब खाने के बाद में थोड़ा सा टहलेंगे। अभी छत पर क्यों नहीं जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, हीट वेव चल रही है तो ठीक नहीं है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है जरा सी गर्मी से, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहीं पर टहलेंगे, मतलब इस डोर को हम ओपन करेंगे और यहाँ से यहाँ चक्कर लगाएंगे, और यही सब अपने मिडिल क्लास में इवनिंग टू नाइट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारा व्लॉग जो है इवनिंग से नाइट, यानी कि इवनिंग टू नाइट, हमारा मिडिल क्लास वाला कभी भी कुछ भी एकदम से हो जाता है, कभी एकदम से बर्डन आ जाता है काम का, बहुत सारी चीज़ें। अब तो भी फिलहाल हम खाना खाने के बाद मूवी एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 10 मिनट टहलेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। यस ओके, सब्सक्राइब प्लीज कर लो, अच्छा लगेगा, थोड़ा दुख होता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, और बेल आइकन को नहीं दबाते हो ना। वीडियो तो आप देखते हो लेकिन 700 लोग देख जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लेकिन 700 में से यार कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।